नमस्कार, मैं अमितेश अग्निहोत्री। राजस्थान में सत्ता के लिए जारी उठापटक के बीच दल बदल विरोधी कानून फिर से चर्चा में है। इससे पहले मार्च में मध्य प्रदेश में सरकार बनाने गिराने का खेल खेला गया, तब भी दल बदल कानून की चर्चा हुई। दल बदल कानून का इतिहास जानने के लिए हमें साल 1967 में जाना पड़ेगा। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर नया राज्य बना था। फरवरी 1967 को राज्य के पहले विधानसभा में कांग्रेस ने 81 में से 48 सीटें जीतकर मामूली बहुमत से सरकार बनाई। कांग्रेस के भगवत दयाल शर्मा 10 मार्च 1967 को राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। हालांकि मात्र एक सप्ताह बाद ही उनकी सरकार पर संकट के बादल घिर आए। कांग्रेस के ही 12 विधायकों ने अलग होकर हरियाणा कांग्रेस के नाम से एक नई पार्टी बना ली। 16 निर्दलीय विधायकों ने यूनाइटेड फ्रंट के नाम से एक नया दल बनाया। इस दौरान हरियाणा के हसनपुर क्षेत्र के विधायक गयालाल ने दल बदलने का जो रिकॉर्ड कायम किया, उसने हिंदी भाषा को एक नई कहावत आया राम गया राम दे दी। हुआ कुछ यूं कि कांग्रेस से टूटे विधायकों और निर्दलीय विधायकों के दल को मिलाकर संयुक्त विधायक दल बना, जिसमें शामिल विधायकों की संख्या 48 तक पहुंच गई। इस उठापटक में कांग्रेस की सरकार गिर गई और संयुक्त विधायक दल के नेता राव बीरेंद्र सिंह नए मुख्यमंत्री बने। इस दौरान गयालाल ने 9 घंटे में 2 बार दल बदला। वह पहले कांग्रेस में आए, फिर कांग्रेस छोड़ी और 15 दिन बाद संयुक्त मोर्चा में चले गए। इस दौरान चंडीगढ़ में प्रेस के सामने गयालाल को पेश करते हुए राव वीरेंद्र सिंह ने कहा कि गया राम अब आया राम है। राव साहब की सरकार भी केवल 2 महीने चल पाई और उसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। उस दौरान तत्कालीन गृह मंत्री वाई बी चौहान ने इस वाक्य का इस्तेमाल राजनैतिक दल बदल के लिए किया। गयालाल इसके बाद भी दल बदलते रहे। संयुक्त मोर्चा के बाद वह आर्यसभा में गए। 2 साल बाद चौधरी चरण सिंह का लोकदल उनका नया ठिकाना बना। गयालाल सन 1977 में जनता दल के टिकट से चुनाव जीते। उन्होंने अपना आखिरी चुनाव 1982 में लड़ा और हार गए। गयालाल के प्रकरण के बाद ही सवाल उठने लगे कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दल बदल की घटनाओं से राजनैतिक दलों को मिलने वाले सामूहिक जनादेश की अनदेखी होती है। मार्च के महीने में मध्य प्रदेश और अब राजस्थान का घटनाक्रम, इससे एक बात साफ है कि आज के दौर में पूंजी की राजनीति ने बेशर्मी की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। विधायकों और सांसदों की खरीद फरोख्त राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देती है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए राजीव गांधी की सरकार साल 1985 में संविधान में 52वें संशोधन द्वारा दल बदल को रोकने के लिए एक विधेयक लाई। 1 मार्च 1985 को संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और दल बदल विरोधी कानून इसी के अंतर्गत आता है। दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जा सकता है यदि एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है। कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है और किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष के विपरीत वोट किया जाता है। कोई सदस्य स्वयं को वोटिंग से अलग रखता है। 6 महीने की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। इस कानून के अनुसार सदन के अध्यक्ष के पास सदस्यों को अयोग्य करार देने संबंधी निर्णय लेने की शक्ति है। यदि सदन के अध्यक्ष के दल से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त होती है तो सदन द्वारा चुने गए किसी अन्य सदस्य को इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है। कानून में कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिनमें दल बदल पर भी अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। दल बदल विरोधी कानून में एक राजनीतिक दल को किसी अन्य राजनीतिक दल में या उसके साथ विलय करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते उसके कम से कम 2/3 विधायक विलय के पक्ष में हों। ऐसे में ना तो दल बदल रहे सदस्यों पर कानून लागू होगा और ना ही राजनीतिक दल पर। इसके अलावा सदन का अध्यक्ष बनने वाले सदस्य को इस कानून से छूट प्राप्त है। सन 1985 के दल बदल विरोधी कानून में भी एक खामी थी। इस कानून के एक प्रावधान के अंतर्गत अगर किसी राजनीतिक दल में विभाजन होता है
और उसके एक तिहाई सदस्य मूल राजनीतिक दल से अलग होकर एक नया राजनीतिक समूह बनाते हैं तो वे अयोग्य नहीं होंगे। इस प्रावधान का नतीजा यह हुआ कि जो दल बदल पहले एकल होता था वो अब सामूहिक तौर पर होने लगा। इस प्रावधान के दुरुपयोग को देखकर इसे हटाने के बारे में विचार किया गया। इसके लिए साल 2003 में 51वां संविधान संशोधन करना पड़ा, जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत दल बदल के अलावा सामूहिक दल बदल पर भी रोक लगा दी गई। मध्य प्रदेश और अब राजस्थान के घटनाक्रमों को देखें तो पता चलता है कि दल बदल कानून का डर तो है, लेकिन निर्वाचित सदस्यों के समूह एक दल से दूसरे दल में शामिल हो रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। फिर भी अभी तक के उदाहरण दिखाते हैं कि इस कानून के भय ने काफी हद तक लोकतंत्र की मर्यादा और जनादेश की पवित्रता सुरक्षित रखी हुई है। नमस्कार। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल कबीर न्यूज़, और आप हमें Facebook पर भी देख सकते हैं। हमारा Facebook पेज है कबीर न्यूज़।